एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन हमारी गृहस्थी अलग होगी। और आज से क्या, अभी से मैं और विनोद अपना खर्चा खुद उठाएंगे। हमारे खाने पीने की चीजें और बाकी खर्चे, उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा। हमारी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी हम पर होगी, लेकिन टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आधा आधा हम लोग खर्चा करेंगे। और एक बात और, हमारी किसी भी चीजों की तरफ अर्चना और मानव नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। विनोद, ये सब क्या है? आई, मुझे लगता है कि मंजू इस बार बिल्कुल सही कह रही है। सतीश से बात हुई क्या? किस बारे में? अरे कहा था ना तुमसे, वो वाली वाले फ्लैट का रेनोवेशन करवाना है, उसके लिए सतीश से पैसे का अरेंजमेंट करवाना था मुझे। हाँ, I'm so sorry, मेरे दिमाग से कम्प्लीटली ये बात निकल गई। मैं अभी सतीश से बात करती हूँ। हाय हाय। अरे आ गया। थिंक ऑफ द डेविल। वर्षा, गुड न्यूज़ है। क्या? गेस व्हाट? अब बता दो क्या खुशखबरी है। आपके बहू की ख्वाहिश थी कि जुहू में उसका अपना एक फ्लैट हो, आज मैंने इसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या? सतीश, I don't believe। मैंने कंपनी से लोन लिया है और आज एक जुहू में बड़ा सा फ्लैट बुक किया है। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आप किसी अपने की ख्वाहिश को अगर पूरा कर पाते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्यों वर्षा, अब तो खुश हो ना? हाँ। अरे अब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मतलब मुझे फिर से अपने रूम में जाकर आराम करना पड़ेगा। अब जब से हमारी गृहस्थी अलग हो गई है तो जाहिर है आप अपने बड़े होने का फायदा उठाएंगे। अब जब तक आप किचन में खाना बना रही हैं, मैं किचन में झांक भी नहीं सकती, है ना? एक मिनट, मुझे नहीं पता ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है, लेकिन अगर मुझसे पहले खाना बनाकर तुम्हें खुशी मिलने वाली है तो चलो पहले तुम खाना बनाओ, तुम्हारा होने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। अर्चना, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तब और ये क्या है? मानव, चलो नीचे तो जाओ। मानव, यही बात आप पर भी लागू होती है, इतनी ठंड है और आप ऊपर सो रहे, आप भी नीचे चले। अर्चना, मेरी बात अलग है, मैं ये ठंड बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे आदत है ये सबकी। तुम जाओ नीचे, चलो। नहीं मानव, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, अगर आप नीचे नहीं चलेंगे तो। अरे अर्चना, मैं आई को बोल चुका हूँ कि मैं ऊपर सोऊं, मैं अभी नीचे जाऊंगा तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जाओ नीचे, जाओ प्लीज। मानव, अगर ऐसा ही ना तो मैं आपके साथ ऊपर सोऊंगी। मैं ये ठंड बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन
मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अर्चना तुम मेरी अर्चना ठीक कह रही माना, अगर तुम यहाँ सो गए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारी चिंता में अर्चना बार बार यहाँ आएगी तो उसकी तबीयत ठीक होने से रही। इससे अच्छा है तुम दोनों नीचे कमरे में आकर सो जाओ। अरे मेरी चाय का क्या हुआ? हाँ आप देख रहे हैं ना, मैं सब्जी काट रही हूँ, बस अभी देती हूँ। अरे भाई लेकिन चाय बनाने में 5 मिनट तो लगते हैं। आओ ऐसा क्या करता, बस 2 मिनट हो ही जाएगा। अब मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि जब तक मंजूषा किचन में काम कर रही है मैं अंदर जाकर चाय नहीं बना सकता। मंजू, मंजू तैयार है ना? लेट हो रहे ऑफिस के लिए। हाँ जल्दी करो ना। विनोद बस 2 मिनट, मैं पुन्नी का टिफिन तैयार कर रही हूँ। अर्जू मैं तुझे काम नहीं करने दूंगी, जा तू वहां जाकर आराम कर। हाँ बेटी बैठ मेरे पास बैठ। अरे मंजू मेरे सॉक्स कहाँ हैं? अरे तुम्हारे शूज में ही रखे होंगे ना विनोद। मंजू अंदर लाने चाहिए थे ना। जेवन इंतजार कर रही थी। विनोद ये उस दिन खाने पर नहीं आ पाए थे ना, तभी से मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो मैंने सोचा इन्हें आज नाश्ते पर बुला लेती हूँ। ठीक किया ना मैंने? ठीक नहीं, बहुत अच्छा किया। आओ ना जयवंत। हाँ आओ बैठो। और घर में सब ठीक है? ठीक है। आप कैसे? ठीक हो। तबीयत कैसी है? हाँ बस ठीक है। मैं चाय लेकर आती हूँ। जेवन वो तुम्हारा एक इंटरनेशनल कंपनी से बात चल रही थी ना?
गरम गरम बनाए, मैं चाय लेकर आई। हेमंत खाओ ना। अरे बाबा लीजिए ना। नहीं, वो डॉक्टर ने मना किया है। बाबा? अरे नहीं, अभी तो पी थी मैंने। आप पियो। अरे वाह बहनी, चाय तो वाकई बहुत अच्छी बनाई है आपने। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है आज, शायद ओवर टाइम करना पड़े। सुनिए, ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। अच्छा बंधु। हाँ? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, क्या बात क्या है? अजीत, वो क्या है ना कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कॉलेज। वंदिता, तुम मानव की बहन हो, कितनी भी कोशिश कर लो झूठ नहीं बोल पाओगे तुम। आई ने कुछ कहा है क्या? जरूर आई ने तुम्हारी पढ़ाई रोक दी होगी। नहीं पढ़ना, पिछले कुछ दिनों से काम में इतना बिजी हो गया कि ये बात दिमाग में आई नहीं मेरे। नहीं आई से नहीं अजीत, प्लीज आप आई से इस बारे में कुछ बात मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और आई के बीच में कोई तनाव हो या कोई भी प्रॉब्लम। बंधु, ठीक है ठीक है, मैं ऐसे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम झट से तैयार हो जाओ, हम अभी इसी वक्त कॉलेज जाएंगे। लेकिन अजीत। बंधु, मैं कह रहा हूँ तैयार हो जाओ वरना डांटूंगा मैं, समझी? ठीक है। अर्चना, क्या हालत बना रखी है उसने तुम्हारी? अगर मेरे साथ रहती ना तो रानी बना कर रखता तुम्हें। पता है मेरी एक कमजोरी है, तुम। मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। अर्चना, मुझे आज भी तुम्हारा इंतजार है, सोच लो। आई, मैं चलता हूं। नमस्कार मानव, विजयवंत, जयवंत राणे। तो क्या? अरे अपना नाम बता रहा था। अरे जब से मैं यहाँ हूँ तुम मुझे देखकर इग्नोर कर रहे हो, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे भूल गए हो, इसीलिए अपना परिचय दे रहा हूँ। देखो मैं देख ही तो रहा हूँ कि तुम मुझे देखकर अनदेखा कर रहा हो। मानव, तुम मुझे लाख भुलाने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं भूलने दूंगा। वो क्या है कि हम दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है, और तुमने मेरी होने वाली पत्नी को भरे मंडप से भगाकर उस रिश्ते को और गहरा कर दिया। मानव, अगर तुम सोच रहे हो कि अर्चना से शादी करके तुम बाजी जीत चुके हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी।
पहला दांव तुम खेल के जीत चुके हो, दूसरा दांव मैं खेलूंगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। आखिरी दांव का इंतजार करना, वो भी मैं ही जीत कर दिखाऊंगा। अब तुम देखना मैं क्या करता हूं। ये आपका पार्सल। थैंक यू। कितना हो गया? आपका हो गया 1,000 रुपए। इतने का 1,000? जी हाँ। इतने का 1,000 होता है? ब्रांडेड है सर। हाँ ठीक है, 500 में ठीक है। 500 नहीं होता है सर। अरे तो हम कौन सा क्रेडिट पे ले रहे हैं? लो। नहीं सर, क्रेडिट की बात ही नहीं है। अच्छा, 1,000 की चीज है, 500 में कैसे दे सकते? चलो लो 600 लो, लो पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू। चलो। तुम भी ना औरतों से भी एक कदम आगे हो। क्यों, अब मैंने क्या किया? अरे वो 100 रुपए की चीज अगर तुम्हें 50 रुपए में दे रहा है तो तुम कहोगे नहीं मुझे 25 रुपए में दो। अगर वो तुम्हें मुफ्त में देगा ना तो तुम कहोगे मुफ्त में ही दे रहा है तो एक के साथ दो ले लो ना। वैशु मैं बार्गेन करता हूँ क्योंकि मैं हर चीज की सही कीमत जानता हूँ। तो क्या हुआ, लेकिन वो लोग भी तो कमाने बैठे ना, उनको भी तो कमाने दो। हाँ तो कमाए ना, लेकिन मेरी जेब से क्यों? तुम भी ना, तुम भी तो कुछ भी। ये आइटम, ये देसी मुर्गे के साथ क्या कर रही है? ए, क्या बोला, वापिस बोल। ओके ओके ओके, क्या ओके, क्या बोला, वापिस बोल। ओके वैशु जाने दो, चलो। चप्पल काटू मुस्कटा पा रहे ना? अरे छोड़ ना यार। क्या वैशु जाने दो। अरे लेकिन कुछ भी, चल घर चल आओ। रमेश तुम भी ना, उन लोग ने इतना सब कुछ बोला और तुमने चुपचाप से सुन लिया। देखो वैशु, ऐसे लोग सही नहीं होते हैं, वो मवाली लोग हैं, उन लोगों से लजना बेवकूफी। मैं जानती हूँ, लेकिन आज वो लोग ने एक बात की, कल उठकर वो लोग 50 बातें करेंगे, तुम चुपचाप से सुन लोगे? ऐसे भी तुमने तो सुना ही ना, और जब मैं बोल रही थी तो मुझे भी कुछ बोलने नहीं दिया। वैशु ऐसे लोगों से बात करना बेवकूफी है। धर्मेश तुम देखो वैशु, बात जहाँ है उसे वहीं खत्म कर दो, बात को खींचो मत। अगर वो लोग इस बात को खींचेंगे तब तो उनका क्या करना है मैं देख लूंगा। आजी आजी, शीरा बना है, मैं भी खाऊंगी। हाँ हाँ, जब तक तुझे नहीं खिलाऊंगी तेरी आजी को खुशी कैसे मिलेगी शीरा बनाने की। मुनी क्या कर रही है ये? तुझे मना किया था ना मैंने? मंजू तू क्या कर रही है? अरे ये बच्चे है, उसे पसंद है तो खाने देना। भाई उसका आज वैसे ही पेट दुख रहा है, पता नहीं दिन भर बाहर क्या खाती पीती रहती। तुझे मैंने मना किया था ना कि कहीं भी ऐसे कुछ भी नहीं खाना है। तुझे जो भी खाना है ना तो मुझे क्यों नहीं बोलती? मैं बनाऊंगी ना तेरे लिए, ऐसे किसी के भी सामने हाथ पसारेगी ना तो मार खाएगी मेरे हाथ से। चुप, क्या कर रही है तू? एक तो एक ही घर में दो चूल्हे बनाकर तुमने पहली गलती की और आज हमारी पोती को हमसे ही तोड़ रही है। क्यों कर रही है ऐसा? अरे कम से कम बच्चों पर तो रहम करो। आई आपको जो समझना है ना आप वो समझिए, और अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी कहूंगी ना तो आप सब लोग मिलकर मेरी बात का बतंगड़ बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से तो यही आदत है। और मैं नहीं चाहती कि रिश्ते और अधिकार एक दूसरे के साथ उलझे। और आप तो समझदार हैं, समझती है ना कि मैं क्या चाहती हूँ, फिर भी चल चल से तूने ऐसा किया ना तो बहुत मार खाएगी। सागा, 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 सागा,